शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि सूचना आयुक्तों के खाली पड़े पदों को 6 महीने में भरा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सूचना आयुक्तों के चयन के लिए सिर्फ पूर्व नौकरशाहों, सरकारी अधिकारियों के नाम पर ही विचार न हो, जानकारों के नाम पर भी इन पदों पर नियुक्ति के लिए विचार होना चाहिए। इस मामले की याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज से बात की हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे ने। अंजलि भारद्वाज हमारे साथ हैं, आप याचिकाकर्ता हैं इस केस में, मेन मुख्य डायरेक्शंस क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के? देखिए, जो डायरेक्शंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सूचना के अधिकार लोगों का सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी अपॉइंटमेंट्स होनी हैं इन्फॉर्मेशन कमीशन्स में पूरे देश में, स्टेट या सेंटर पे, वो समय से होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये है कि सरकारें समय से भर्ती नहीं हैं, काम नहीं करती हैं, जिससे कि पद जो है वहां पर नियुक्तियां हो सकें। दरअसल हर बार आपको कोर्ट जाना पड़ा नियुक्तियों के लिए। जी, ये याचिका भी तभी जारी की गई थी जब बहुत सारी वैकेंसीज थी पूरे देश में इंफॉर्मेशन कमीशंस में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में तो 8 वैकेंसीज हो गई थी फाइनली, और ऐसे में जो आज डायरेक्शंस आए हैं उसमें लिखा गया है कि वैकेंसी अकर होने से पहले ही, 1 या 2 महीने पहले से ही सरकार को काम शुरू करना होगा, जिससे कि वैकेंसीज ना हो और पेंडेंसी बढ़े नहीं और लोगों को अपना सूचना का अधिकार समय से मिल सके। साथ ही में एक और प्रेयर जो थी इस याचिका में वो ये थी कि ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स होना चाहिए, है पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए कि किसको बनाया जा रहा है इंफॉर्मेशन कमिश्नर और किस प्रोसेस से, और उसके ऊपर भी बहुत अच्छी आज डायरेक्शंस मिली हैं कोर्ट से। एक कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी अप्लाई करते हैं उनका नाम, उनका बैकग्राउंड जो है वो होना चाहिए, उनका जो उनके बारे में सूचना होनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। सर्च कमिटी जो सेटअप होती है उसका क्या कामकाज, कैसे काम कर रहे हैं वो, रैशनल क्राइटेरिया क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी सार्वजनिक होना चाहिए, और ये केवल ब्यूरोक्रेट्स ना रह जाएं बनके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, और भी एक्सपर्ट्स जो आरटीआई कानून में लिखा है उन्हें भी बनने के लिए एक पूरा उन्होंने कहा है कि ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो कही गई है वो ये है कि जो पूरा प्रोसेस है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और होनी चाहिए है, और ये भी कहा गया है कि जो सारा सिलेक्शन का प्रोसेस है और ये सब, इसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। अंजलि, अजीब और गरीब स्थिति है, ये ट्रांसपेरेंसी कानून की बात कर रहे हैं और एक बार फिर कोर्ट को दोहराना पड़ रहा है कि पूरा प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा क्यों? हकीकत क्या है आज, मौजूदा हकीकत क्या है, पेंडेंसी कितनी है, और ट्रांसपेरेंस की जब बात करें तो क्या क्या हकीकत है अभी? देखिए, जब अपॉइंटमेंट समय से नहीं होती है तो सुनवाई नहीं हो पाती है केसेस पे, जो शिकायतें और अपील्स आती हैं कमीशंस में, और उसके कारण अभी हम देख रहे हैं 30,000 के करीब केसेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केवल इसमें पेंडिंग पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे भद्वाजी बता रही थी कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर ऑर्डर है, सूचना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन क्योंकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपॉइंटमेंट्स जो थी उनमें देरी हो रही थी, इसके कारण 1 साल 2 साल 10-10 साल तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा था बेसिक अधिकार, बेसिक सूचना के लिए। अब शायद बहाना नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट के एक बार फिर ये स्ट्रॉन्ग और स्पष्ट ऑर्डर के बाद। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।